हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। टीचर की एक नई वैकेंसी आई है, वो भी सेंट्रल रेलवे में। कौन कौन सी पोस्ट है? टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की पोस्ट है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा आपका, ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन सेंड करना है कि ऑफलाइन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी कितनी इन हैंड, ये सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय रेलवे की जो वैकेंसी है, इसमें कहां पर वैकेंसी आई है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में तो बहुत सारी वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे तो हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो ये वैकेंसी आप कौन कौन से एरिया में आई वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपको फिरोजाबाद में पोस्टिंग मिलेगी यूपी के, और ये वैकेंसी फिल कैसे होगी, कैसे भरना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल से। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने जितनी भी वैकेंसियाँ कवर की है, लगभग 100 टीचर वैकेंसी मैंने कवर कर दिया इस चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, वैकेंसी का आपको पता नहीं है तो आपकी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी कोई नोटिस आएगी, नोटिफिकेशन, जब भी मैं अपडेट करूँगा कोई वैकेंसी का, तो आपको नोटिस मिल जाएगी, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती, साथ साथ में कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो बहुत बेस्ट होती हैं। हमेशा आप हाइपोथेटिकली लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर, आप जो ये वैकेंसी बताने वाले हैं, जैसे मैं बता दूँ ये वैकेंसी आई कहाँ है। सबसे पहले उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला, जिला फिरोजाबाद में। सर ये तो क्या नाम है, संविदा पर है, संविदा पर सर नहीं करेंगे। अरे भाई, अभी जो जॉब, अभी जो आपके जॉब मिल रहे थे ना, कईला लोगों ने बाद में तकलीफ हुई, अभी जो मिला थे कईला, फिर बाद में जब गवर्नमेंट वैकेंसी आई ना, उमन अप्लाई कह दिया दोबारा, ठीक है, खर्चा वत निकाला, समझ रहे कहने का मतलब। तो कहने का मीन्स यही है कि फिलहाल आप ज्वाइन करिए, अपना एक्सपीरियंस बनाइए, ठीक है, और अपना धड़का पढ़ाने की जो पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो इम्प्रूव हो जाएगी, साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, और कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण होती है इंटरव्यू के लिए। अगर आप केवीएस की वैकेंसी आती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगी इंटरव्यू में, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आएगी उसमें भी महत्वपूर्ण होंगी। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अचानक इम्प्रूवमेंट नहीं होती, खासकर उन बच्चों को जो गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे हम हैं गांव से। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अगर ये जॉब मिलती है, अगर मैं भरता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, होता है तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारूँगा, दूसरी बात, और पढ़ाने की शैली स्किल जो होती है बच्चों को वो सिखाऊँगा। क्योंकि देखिए, नॉलेज सबके पास होती है, नॉलेज को कैसे डिलीवर किया जाए कि लोगों को समझ में आए और वो उनके हित की हो, मतलब वो जो सुनना चाहते हैं हम वही बताएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है। चलिए, और मैं बात करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे पॉइंट पाते हैं। उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज टुडला में अधोलिखित पदों के लिए संविदा पर वैकेंसी आई है, जिसमें आपको बता दूँ, ध्यान दीजिए, क्या शर्तों पर आपको वहाँ ज्वाइन किया कराया जाएगा। आपकी अधिकतम जो 200 कार्य दिवसों या मतलब 200 वर्किंग डेज होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। एक दिन में कम से कम 5 कालांश अध्यापन हेतु दिए जाएंगे। 5 कालांश मतलब समझते हैं, 5 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 5 पीरियड बोलते हैं, 5 पीरियड आपको मिलेंगे पढ़ाने के, ठीक है। अब वो पीरियड कितने का होगा, 30 मिनट्स का होगा, 25 मिनट्स का होगा, या फिर 55 मिनट्स का होगा, ये डिसाइड किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें भी हैं, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन की है, जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा, उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या, जहाँ आप अप्लाई करने वाले हैं। उससे पहले आप जान जाइए कि एज लिमिट क्या है। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है, सबका पैरामीटर ये होता है कि केवीएस का रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज क्राइटेरिया मिलती है, 18 से 65 साल बोला गया है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप टीजीटी या पीजीटी में आपका सचयन होता है तो आपको सैलरी मिलेगी कितनी। आप कहेंगे सर, आपने आप अभी क्वालिफिकेशन बताया ही नहीं, पहले सैलरी, बिल्कुल, इसलिए जानिए ताकि आपको समझ में आए कि जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब प्रवक्ता अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें पदों की संख्या एक है। आधे लोग तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, सर एक ही पद के लिए क्यों अप्लाई करेंगे। अरे भैया, अप्लाई करो, कम से कम सीखने को तो मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं, कहते हैं ना,
जब फेल ही होना, एक बहुत ध्यान सुनिएगा आपको, जब हमें फेल ही होना है तो क्यों ना हम प्रयास करके फेल हो, वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर देन कि हम बिना प्रयास किए। अगर प्रयास करके फेल होंगे तो कम से कम तसल्ली तो होगी कि यहाँ हमने प्रयास किया था, नहीं तो बाद में ये होगा कि अरे यार काश हम ट्राई किए होते शायद निकल जाता। ठीक है, तो अपने आप को गुमराह मत करिए, तो अप्लाई जरूर करिएगा। दूसरी बात मैं बता दूँ, 27,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसी तरह आपको भूगोल, अंग्रेजी, वाणिज्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र, गणित, विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, इन सभी की है, टोटल 11 पोस्ट है। अगर हम बात करें सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापक बोला जाए, असिस्टेंट टीचर की बात करें, TGT की अगर बात किया जाए, तो इसमें PTI की बात किया जाए तो एक है, जिसमें पेमेंट आपको मिलने वाली 26,250 रुपये। इसी तरह संगीत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और भूगोल, इन सभी की पोस्ट आई हुई है। ठीक, अब ये आप अच्छे से देखिएगा। इसके इसी तरह प्राइमरी की अगर बात करूँ तो पेमेंट आपको 21,250 रुपये मिलेगी, टोटल 6 पोस्ट है। अब कुल अगर देखा है PGT, TGT और PIT को मिला के टोटल 25 पोस्ट है। अब इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, जहां पर आप बाकायदे विधिवत से देखिएगा उसमें आपके क्वालिफिकेशन मांगा क्या है। एक रफली मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आँख मूल के आपकी PG होनी चाहिए। अगर आप PG नहीं किए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपके पास BEd होना चाहिए, ठीक, और इस PG में कम से कम आपके 50% तो होने ही चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो PG है वो PG उसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। मान लें आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में ही आपकी PG होनी चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसी तरह और भी, ठीक है। अगर हम TGT की बात करें, बहुत ध्यान सुनिएगा, TGT वाले, अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपके पास BEd होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक, BEd होना चाहिए, साथ में आपका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अब सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई है तभी अप्लाई करिएगा, अर्थात मत करिएगा। अब हम बात कर देते हैं किसके लिए, PIT के लिए। बहुत ध्यान सुनिएगा जिस चीज़ को बता रहा हूँ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हर जगह मांगता है। देखिए PIT के लिए मैं बात करूँ तो आपके पास 12th होना चाहिए या फिर 12th के समकक्ष कुछ भी होना चाहिए, साथ में DLED होना चाहिए, BTC होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, इतना चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब ये चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बता दिया। देखिए फॉर्म की अंतिम तिथि कब भरने की वसूल लीजिए, 22 जुलाई लास्ट डेट है, सब ध्यान रखिएगा, आपको 22 को 3 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। अब अंतिम तिथि देख रहे स्पीड पोस्ट से ही। और दूसरी बात, आपको 22 तारीख तक आपको फॉर्म भेजने हैं, भेजने कैसे वो भी सुन लीजिए ध्यान से, नहीं तो कहेंगे सर ये भी नहीं बताया आपने। सभी आवेदन पत्र, जो भी पत्र, समाचार पत्र या रोजगार समाचार पत्र में जो भी प्रकाशित प्रोफार्मा में ही पूर्ण शैक्षिक विवरण तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से प्रधानाचार्य उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला जनपद फिरोजाबाद पिन कोड एटना को 3 बजे से पहले 22 जुलाई, ठीक है, जुलाई से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। एक से अधिक पद के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लें आप एक से अधिक पद के लिए योग्य हैं, तो एक से अधिक फॉर्म आपको भरना होगा। ये नहीं कि एक ही में सब भर दे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। आपका इंटरव्यू कब होगा वो बता दूँ। देखिए 3 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा, 3 अगस्त को आपको सूचित किया जाएगा विद्यालय के अवलोकन हेतु, ठीक है। ये जो सूची 3 तारीख को निकाली जाएगी, उसके बाद आपको 3 अगस्त को आपकी सूची निकलेगी कि हाँ भैया इन लोगों को सेलेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए। और आपका इंटरव्यू कब होगा, अगर मैं PGT की बात करूँ तो 5 तारीख को इंटरव्यू होगा सुबह 8:30 बजे, TGT की बात करूँ तो 6 तारीख को 8:30 बजे सुबह, PIT की बात करूँ 7 तारीख को होगा, ठीक है। PIT अगर बात करूँ 8 तारीख की होगा, 8 तारीख को किनका होगा, OBC, ST, EWS, अगर जनरल PWD की बात किया जाए तो 7 तारीख होगा, ठीक है। अगर देखिए अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका रिटर्न भी लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने बता दिया, और ये फॉर्म का डेटा है जिसको आपको भरना है। अब देखिए इसमें क्रम संख्या क्या, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विषय क्या होने वाला, आवेदन का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपको इंग्लिश में ही फॉर्मेट मिल जाएगा, इंग्लिश में भी। अगर जो लोग ये डाउट कर रहे हैं सर इंग्लिश का फॉर्मेट नहीं है, उसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करिए, वहाँ से फॉर्म को प्रिंट आउट निकालिए, उसको पढ़िए, भरिए और
इस पर पोस्ट कर दीजिए और वेट करिए तब तक जब तक आपका लिस्ट नहीं आ जाता, क्योंकि साइट पर अपडेट करेगी, आपका लिस्ट वहाँ जारी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू देने जाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई जानकारी ऐसी है जो आपको नहीं बताई गई है, फिलहाल जानकारी इतनी थी। अगर आप किसी भी टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो या नेबर हो, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप शेयर करते हैं तो उनकी मदद हो जाएगी, कहते हैं ना कर भला तो हो भला, तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद।